खाने की शिवलिंग स्थापित है। और कहते हैं कि शिव जी ने जब विष पिया था, विष पान करने के बाद वो यहीं पर आ गए थे। ये इसको नीलकंठ भी कहते हैं। नीलकंठ का मतलब नीला गला, हेयर नीला होता है। उनका जब हेयर उन्हें दिया था अमृत मंथन से, हेयर पीने के बाद में गला नीला हो गया था, इसलिए इसको नीलकंठ कहा जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं भारत में कौशल केले भाई दिवाल है। आज हमारा 22वां वर्ष शुरू हो गया सावन के सभी सोमवारों में। आज पहला सोमवार है, बहुत अच्छी आराम से दर्शन हुए। 21 साल में हमने ऐसे ही दर्शन किए, सुख दुख जीवन मरण सभी लगा रहा, परिवार में समाज में। परंतु हमने भोले शंकर महाराज को नहीं छोड़ा। पिछले साल कोरोना काल में भी हम आए, बहुत विषम परिस्थितियों में दर्शन किए। इस साल भी हमें ऐसे ही लग रहा था, परंतु पहले सोमवार को हमारे को बहुत अच्छे दर्शन हो गए, जो कि प्रसाद हवन से मिल गई और हमारे द्वारा चढ़ा दी गई भगवान को। हम चाहेंगे कि अगले सोमवार को भी हमारे यात्रा यहाँ नीलकंठ महादेव पर हो और हम यहाँ पर दोबारा दर्शन बैठे फिर आएँ। चारों सोमवार, पाँचों सोमवार, जितने भी सामान्य सोमवार हम सभी आए। हम चाहते हैं कि हमारे 22वें वर्ष की यात्रा भी पूरी तरह सफल रहे, जैसे भी पूर्व 21 वर्ष की यात्रा महादेव के मंदिर में हमारी सफल रही थी। भोले शंकर महाराज की जय।